हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पीछे के पल्ले में ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन, पीछे हुक भी रहेगा उसके साथ, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन लगेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने ब्लाउज सूट सब पे, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो सूट पे भी बना सकते हो और ब्लाउज पे भी बना सकते हो, दोनों तरीके में बताऊँगी। बैक के पल्ले का ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और हम बहुत सारी ब्लाउज डिज़ाइन मैंने अपने वीडियो में डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ चेक कर लेना। और ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं बताते रहती हूँ। और हाँ, आज रात को मैं लाइव आऊँगी 8 से 9 बजे के बीच में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो भी क्वेश्चन होगा वहाँ पर आप लोगों को मैं आंसर दे दूँगी। ओके, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पहले कपड़े को डबल फोल्ड करना है। ओके, उसके बाद से आपको जैसे पीछे का पल्ला का लंबाई जितना भी लेना है उतना आप यहाँ से ले लोगे, इस तरीके से। यहाँ से इस तरीके से हम लोग लंबाई ले लेंगे। मैं पेपर पे बता रही हूँ, आप इसी तरीके से सेम कपड़े पर ट्राई करोगे, 15 या 16 इंच लंबाई ले लोगे। उसके बाद से आपको यहाँ से लेना है 3 इंच गले की चौड़ाई, 3 इंच से कम नहीं लेना है क्योंकि नीचे हम लोग ज्वाइंट वाला बना रहे हैं। और यहाँ से आपको लेना है 4.5 इंच का शोल्डर का लंबाई, शोल्डर की चौड़ाई सॉरी, और 6 इंच आर्म होल्स की लंबाई, 3 इंच गले की चौड़ाई, 4.5 इंच शोल्डर की चौड़ाई और 6 इंच आर्म होल्स की लंबाई, और 1.5 इंच पे आर्म होल्स की गुलाई देनी है और इसको कट कर लेना है। बहुत ही प्यारा लगेगा। सेम इसी तरीके से आपको कपड़े पे भी कट करना है, कपड़े को भी इसी तरीके से जैसे मैंने बता रही हूँ इसी तरीके से ज्वाइंट कर डबल फोल्ड करके और कट करना है। तो इस तरीके से आपने कट कर लिया। बस बैक का पल्ला बता रही हूँ, अगर आपको पूरा ब्लाउज सीखना होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी हम लोग जो हमने यहाँ पर 3 इंच गले की चौड़ाई ली थी वहाँ से 2 या 2.5 इंच नीचे तक या 3 इंच नीचे तक आप लोग एक लंबाई लगा लोगे गले की और इस तरीके से इसमें गुलाई दे देंगे। उसके बाद आपको 1 इंच नीचे छोड़ते हुए इस तरीके से जितना आपको लंबाई चाहिए, जैसे कि आपको 10 इंच 11 इंच जितनी भी लंबाई चाहिए गले की उतनी आप यहाँ पे लगा लोगे। और जो आपने सीधा निशान लगाया है वहाँ पे आपको 4 इंच ले लेना है इस तरीके से। ओके, और इस तरीके से ऊपर की तरफ लाते हुए इसको गुलाई मिला लेनी है। जो आपने ऊपर वाला गला का निशान लगाया था इन दोनों के बीच में 1 इंच का गैपिंग होना चाहिए। ओके, और इसको कट कर लेंगे और इस तरीके से दोबारा कट करेंगे। जैसे हम लोग ब्लाउज में बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं उसी तरीके से बेल्ट की तरह नीचे से कट कर लेना है। और हमने इस तरीके से गले को कट कर लेना है। देखिए कैसे कैसे कट कर रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए। जब जो हमारा गला का साइज़ था वहाँ पर 4 इंच और कांखे के साइज़ में 5 इंच लेके इस तरीके से बेल्ट को कट कर लेंगे। और इस तरीके से जो हमने गले का निशान लगाया था 1 इंच छोड़ के उसको भी कट कर लेंगे। और ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनेगा, ये देख सकते हो, बहुत ही प्यारा स्टाइलिश सा लुक देगा ये आपके ब्लाउज को या सूट को। अगर आप सूट बना रहे हो तो नीचे से आपको कट नहीं करना है, और ब्लाउज है तो पीछे से कट करके इसमें हुक लगेगा। जैसे ये हमने इस तरीके का डिज़ाइन है और ये जो बीच का निकला है इसी से आपको गला पट्टी निकाल लेना है, गला पट्टी इसमें ज्वाइंट करना है ऊपर नीचे दोनों, और इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है इसमें। ओके, और ये बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज का गला का डिज़ाइन बन जाएगा, देख सकते हो आप। और आप सूट अगर सूट में बना रहे हो तो आपको इसी तरीके से छोड़ देना है, बस लंबाई आपको बढ़ा लेनी है, 36-37 इंच सूट की लंबाई होगी और गले का सेम तरीका है। और ये ब्लाउज का है तो हमने इस तरीके से ये डिज़ाइन कट कर लिया है। अब बीचों बीच इसको कट करेंगे और इसमें कच पट्टी और बटन पट्टी लगा के पीछे हुक लगेगा, ऊपर भी 1 या 2 हुक लगेगा और नीचे 3 या 4 इंच 4 हुक लगेगा। और ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके का बनेगा। अभी मैं इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ कि कैसा ये डिज़ाइन बनने वाला है। यहाँ से तो हमने कट करके 2.5 इंच और 2 इंच की चौड़ी पट्टियाँ निकाल के इसमें कच पट्टी और बटन पट्टी लगा देंगे, जैसे एक में हुक लगेगा और एक में कच बनेगा, उसके लिए यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे इसको हम लोग। और यहाँ से कट करके पतली पतली 2 और पट्टियाँ कट करेंगे और ऊपर हुक लग जाएगी यहाँ पर। अब चाहो तो ऐसे मोड़ के भी लगा सकते हो, और बस ध्यान रखिएगा कि शोल्डर आपकी 8 से 9 इंच हो। चलिए फाइनल लुक मैं इसका दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरीके का ये डिज़ाइन बनेगा, है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन। मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत ही यूनिक स्टाइलिश सा डिज़ाइन है। तो आप ट्राई कर सकते हो इसको सूट और ब्लाउज किसी भी ड्रेस के साथ, बहुत ही प्यारा लगेगा।
तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपको समझ में आया कि नहीं वो बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। आप देख सकते हो सेम तरीका जो मैंने बताया उसी तरीके का है, बस इसमें वर्क है, मैंने पेपर पे बताया हुआ, बस इतना ही डिफरेंट है, बाकी कोई डिफरेंट नहीं है। तो आप ज़रूर ट्राई करना ये वाला लुक, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बैक पल्ले में आपको इस तरीके से डिज़ाइन बनाना समझ में आ गया होगा, और कुछ भी ना समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से समझा पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।